केमिकल और पानी मिलाकर बेचते हैं नकली खून। आज के ज़माने में हर चीज़ नकली आ रही है। काले कारोबारी कम दाम आपको कुछ भी बेच सकते हैं। अब तो नकली खून भी मिलने लगी है। नकली मिठाई, नकली चावल, नकली मोबाइल, नकली अंडा, नकली सामान तो था ही, अब नकली खून भी आ गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, नकली खून। उत्तर प्रदेश की पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने अवैध तरीके से मानव रक्त निकालकर उसे कथित रूप में मिलावट के जरिए दोगुना करके बेचने वाली गिरोह का पर्दाफाश करके उनके सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। के मुताबिक यह काला कारोबारी काफी लंबे समय से चल रहा था। एसटीएफ ने करीब 15 दिन तक ब्लड बैंक को रोकी है। आरोपी केमिकल और पानी मिलाकर 2 से 3 यूनिट खून बनाते थे। यहाँ बिना किसी मेडिकल डिग्री के कर्मचारी काम कर रहे थे। ब्लड बैंक में किसी डॉक्टर की तैनाती नहीं थी। गिरफ्तार किए गए सभी युवक इंटर तक पढ़े हैं। एक यूनिट मिलावट खून के लिए 35,000 रुपये वसूलते थे। यह गिरोह मजदूरों और रिक संचालकों से 1,200 में खून खरीदता था और इसमें केमिकल और पानी मिलाकर बेचता था।